जिंदगी डिजिटल हो गई है, इतनी कि ब्यूटी प्लस ऐप के जरिए हर कोई अपने ही चेहरे को छिपाकर उसे आकर्षक बना दूसरों का ध्यान चाहता है। नकलीपन की ओर हम इस कदर बढ़ चुके हैं कि समाज की असल हकीकत से भागने लगे हैं। खबर में ब्यूटी प्लस ऐप का जिक्र इसलिए क्योंकि झारखंड की राजधानी रांची के ओरमांझी से समाज की एक बेहद ही बदसूरत तस्वीर सामने आई है। तस्वीर ऐसी कि मुझे और आपको भी खुद के होने पर घिन आ जाए। डिजिटल दौर के इस दुनिया में व्हाट्सएप पर आई इस तस्वीर के भीतर से हैवानियत की बदबू ताउम्र मुझे परेशान करती रहेगी। समाज के भीतर की इस गंदी तस्वीर को क्या आपके मोबाइल का ब्यूटी प्लस ऐप सुंदर बना सकता है? नमस्कार, मेरा नाम है सनी सारत और आप देख रहे हैं द फॉलो अप। अब आपको इस तस्वीर की हकीकत बताते हैं। बगैर सिर का धड़, पूरा शरीर नग्न, कटा हुआ गुप्तांग। ओरमांझी के जंगल से रविवार दोपहर के बाद आई यह तस्वीर किसी युवती की है। धड़ में सिर नहीं हो पाने की वजह से अब तक युवती की पहचान नहीं हो पाई है। तस्वीर को देखकर लगता है पहले इंसानी राक्षसों ने इस 20 वर्षीय युवती के साथ बलात्कार किया है, फिर इसके गुप्तांग को काटा है और इसके बाद सिर को धड़ से अलग कर हत्या कर दी है। युवती की हत्या में क्रूरता की हदें पार कर दी गई है। पुलिस बयान के अनुसार युवती का सिर अब तक बरामद नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम के बाद यह पुष्टि होगी कि बलात्कार हुआ है या नहीं। आशंका यह भी जताई जा रही है कि युवती की हत्या कहीं और किया गया हो और शव लाकर ओरमांझी के जंगलों में फेंक दिया गया हो। आपको निर्भया याद है? हाँ, वही निर्भया जिसकी जिक्र भर से आपके भीतर का गुस्सा आपकी आंखों में उभर जाता है। यकीन मानिए, राजधानी रांची से आई यह तस्वीर उससे भी अधिक विभत्स है। हाँ, हलचल थोड़ी कम है। दरअसल ऐसी खबरें अब आम सी हो गई है। ऐसी खबरों से सरकारों का चेहरा कुरूप दिखने लगता है, इसलिए खबरों में भी अब ब्यूटी प्लस ऐप का इस्तेमाल होने लगा है। आपको भी तो वही पसंद है ना? साल का तीसरा दिन में है हम लोग और लोग आज भी पर्यटक स्थलों पर जाकर मना रहे हैं। एक इसी तरह की एक सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है ओरमांझी थाना क्षेत्र से, सुदूरवर्ती इलाका है, जंगल वाली एरिया है, वहाँ एक डेड बॉडी मिलने का। हम लोग सारे लोग वहाँ पहुंचे तो देखी थी महिला की, युवती का ही डेड बॉडी है, हेडलेस है, सर नहीं है। और ऐसा देखने से लगा कि कहीं न कहीं उसको दूसरी जगह हत्या करके डेड बॉडी को यहाँ ले आकर डाला गया होगा, फिर गर्दन को फिर तराश के हटा दिया गया होगा। शरीर पर कपड़े तो कम थे, ये तो है। बहुत सारी पॉइंट्स है, बहुत सारा चीजें हैं जिस पर हम लोगों ने रिम्स में भेजा है पोस्टमार्टम के लिए, और उस पॉइंट पे भी हम लोगों ने कहीं बलात्कार की बिंदु है कि नहीं भेजा, ये सब स्पष्ट है। डॉक्टर का जैसा आएगा फाइंडिंग उसी हिसाब से फिर आगे का हम लोग अपडेट करेंगे। सर, सड़क से हमको लगता है करीब करीब 1 किलोमीटर के आसपास जरूर है, मेन सड़क से। और उधर बहुत सारा प्लास का पेड़ है और जमीन अनइवन है, अप एंड डाउन। जहाँ पर बैठने का जगह है, बगल में पिकनिक भी मनाया हुआ, ऐसा खाना पीना का कुछ मिला है हम लोग को, सब अवशेष मिला है कि 1-2 दिन के अंदर ही ऐसा कुछ। हम लोग शराब की बोतलें भी कुछ हम लोगों ने भी प्राप्त की है। एक लेडीज का हम लोग कुछ दूरी पर जब डॉग ट्रैकिंग करा रहे थे तो कुछ दूरी पर हम लोग ये गर्म टोपी मिली है, तो सारी एविडेंस हम लोग जुटा रहे हैं। पहले ये है कि तहकीकात हो जाए, कि पता हो जाए कि ये कौन है, क्या कहां से, और फिर आखिर मामला क्या है।